के लिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ये हाँ तो सर क्यों नहीं लेंगे, आपने लेते वक्त कोई मतलब आधार नहीं, कार्ड और पैन मैं नहीं कार्ड समझा सर। अपने, जब आप हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड ले सकते हैं, फोन हैक कर सकते हैं, तो हम हाँ तो एम्प्लॉय वो तो आईडी मांग लोन सकते हैं। सर, वो लोन देने के लिए ना, आपको आपको जो नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया गया उसके बदले आपको 3,000 रुपये लोन दिया गया। और जो फोन हैक करते हैं उसका क्या? हाँ सर, आपने एक लोन फाइनेंस कराया है 3,000 रुपये का, आज उसकी ड्यू डेट है। जी, सर पेमेंट करा दिया, कराने वाले हैं सर। अभी तो पैसे नहीं है। आपका नाम क्या है सर? सर क्रेडिट हब एप्लीकेशन, नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जोसिम। अच्छा तो सर सुनिए ना, व्हाट्सएप पे मेरे को अपनी एम्प्लॉय आईडी भेजिएगा, थोड़ा सा क्यों सर? भेजिएगा ना सर, पता कैसे चलेगा कि आप जेन्यून हो मेरे को। नहीं हेलो, मतलब क्यों, मतलब लोन लोन जो आपने लिए हैं वो पेड हाँ करने के लिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो सर क्यों नहीं लेंगे, आपने लेते ये वक्त कोई मतलब नहीं, आधार नहीं नहीं कार्ड और पैन मैं नहीं कार्ड समझा अपने, सर। जब आप हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड ले सकते हैं, फोन हैक कर सकते हैं, तो हम हाँ तो एम्प्लॉय वो तो आईडी मांग लोन सकते सर, हैं। वो लोन देने के लिए ना, आपको आपको जो नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया गया उसके बदले आपको 3,000 रुपये लोन दिया गया। और जो फोन हैक करते हैं उसका क्या? क्या फोन हैक करते हैं सर? फोन भी कौन तो सा हैक फोन है। ऐप का अरे हैक किया गया? फिर आप कांटेक्ट को लगाने लगते हो, फोन नहीं देने से। कॉन्टेक्ट को नहीं लगाने लगते हैं आप, जो 3 रेफरेंस नंबर देते हैं 3 रेफरेंस नंबर पे कॉल जाती है सर। अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो, अगर आप कॉल उठा लेते हो, बात करते हो, तो आपके किसी नंबर पे कॉल नहीं जाती है। वो पैसे आएंगे तो डाल दूंगा सर, आप बिल्कुल कॉल ना करें तो आपने यहाँ फोन पे बंद। हमारे पास तीन हमारे यहाँ पे आपने 3 रेफरेंस नंबर दे रखे हैं अपना, ओनली थ्री। अभी तो है नहीं सर, पैसे आ जाएंगे तो डाल दूंगा। ठीक है, ये लीजिए, बात कीजिए सर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, अजय शर्मा। जी जी बोलिए। हाँ, त्रिग लैसली मलुद क्रेडिट हब। ओके जी पता सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। जी ठीक है, आजकल क्लाइंट भी सेम थिंग बोल रहा है जो कि आप बोल रहे हो, कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम पेमेंट नहीं करेंगे, इस टाइप की चीज़ें क्लाइंट बोल रहा है। वो बोल रहा है जो पे नहीं करना चाहता, वो बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे बताएंगे मुझे? ठीक है, आपको लोन दिया गया, आपको नीड थी, आपको लोन मिला। ठीक है, जी आधार कार्ड बेस मिला, और सबको पता है कि आधार कार्ड बेस पे सर कोई भी सुनो लोन ना, इलीगल मैं नहीं हो बिल्कुल सकता। आपकी बात। प्लीज हाँ प्लीज 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 मेरी बात मैं आपको सुनूंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप लोगों ने एक नंबर अपना दिया और 3 नंबर आपने अपने रेफरेंस के दिए। ठीक है, जी उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, उसने अपना नंबर बंद कर दिया, जो 3 नंबर उसने दिए थे वो भी बंद कर दिए। उस कंडीशन में क्या करें हम, बताइए जरा। सर ठीक है, जो भी है, पर जो तीन किसी का नंबर क्लाइंट ने किए थे वो भी बंद है, आपका भी बंद है, अब बताओ क्या करें? पैसे भूल जाए फिर पैसे मत भूलिए सर, भूलेंगे कैसे क्या सर? करें, बताइए फिर बताइए क्या करें। पर आपको दुनिया का कोई कानून ये हक नहीं देता कि आप किसी की कांटेक्ट लिस्ट और गैलरी को हैक करके उसको ब्लैकमेल मतलब करेंगे। दुनिया का कानून आपको 420 करने का देता है, लेकिन हमें कॉल नहीं करने तो का हक नहीं बिल्कुल देता। ठीक है, क्यों? तो यदि आप सुनिए। 420 करेंगे तो क्या? और हाँ, पहली चीज, जब आप एप्लीकेशन में अलाउमेंट करते हैं आप, साफ साफ लिखा होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी, वहाँ लिखा नहीं, होता है, पढ़ लीजिएगा। जी नहीं जी होगा तो जी हम गलत है। जी तो जब सब सुनिए ना। कुछ पता होते सोते, यदि आपको पता है ये गुनाह है या फिर आपको पता ये गलत है, तो फिर यदि आप उसे गुनाह को खुद कर रहे हैं तो क्या वो गुनाह रह गया? नहीं, गुना तो फिर दोनों तरफ से गुनाह है ना ये सर, है, आपसे भी तो है। गुनाह गुनाह क्लाइंट से है गुनाह। यदि वो लॉयल होता, वो सारे नंबर फेक ना तो देता, सर सही क्लाइंट नंबर लॉयल हो देता, सर, आप तो कोई नीड नहीं थी। कोई भी लोन 1 महीने से कम की होती नहीं है, तो वो अपन 1 महीने में करेंगे सर पेमेंट, किसने कुछ कहा नहीं एक कहा। महीने से कम नहीं होती? कोई शॉर्ट कहीं टर्म लोन है नहीं, सर, ये इंडिया के शॉर्ट कानून टर्म के लोन है, हिसाब से शॉर्ट टर्म लोन आप है। 2% से ज्यादा एक तो चार्ज नहीं कर सकते, और पर एनम बाई अच्छा, तो फिर क्यों 24% लिया, तो फिर क्यों ले लिए लिया, सर, फिर क्यों जरूरत लिया थी। तूने, फिर क्यों लिया? आपने दिया लिया और हमने लिया लिया। वाली बात नहीं है सर, ये वाला मतलब बात छोड़ वाली है। जो क्लाइंट सही है, उन्होंने पेमेंट किया है, हाँ तो अभी नहीं है पैसे तो आप ठीक है। ऐसा। जो फ्रॉड है, वो तुम लोग हो जो फ्रॉड है, जिनको पता है कि ठीक क्या है बोलना है, ठीक है। पहले से रट 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 बस बोलते हो। ठीक है, अरे सर और आप रही क्या। बात, यदि तुम्हारा नंबर बंद होगा, तुम्हारे दिए गए नंबर बंद होंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर पर ही कॉल जाएगी, क्योंकि वो गलती तुम्हारी है। नहीं आप करिए, बिल्कुल करिए, आप करेंगे एक्सेप्ट ऐसा करो, लगता है कि आपको, फिर उन्हीं लोग से ले लेना, आप कर लीजिए बिल्कुल। कोई इशू नहीं है सर। हाँ तो हमको ऐसा ठीक है,
मेरे को हाँ सर कोई सुनो, इशू नहीं है, यदि वो देंगे तो ले लेंगे हम, हाँ तो ले लीजिएगा, कोई लेकिन दिक्कत फिर नहीं। आप कंप्लेन नहीं करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल गई, ठीक है हम मैं उन्हीं से ले लेंगे, आप आप ले मंजूर देता लीजिएगा, है ले ले उनसे, ले हम ले, तो ठीक भैया, हम तो है क्या ठीक है, हमारा है। अब काम हम है, आपको, आप करिए, हम सही बात, आपका आवाज तो रिकॉर्ड हो हम रहा आपको कॉल नहीं करेंगे, है। हाँ कोई इशू नहीं, अब हम कोई नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन मुझे बताइएगा जब आप फ्रॉड करना चाह रहे हैं तो कंडीशन में क्या करें, 420 के, 420 का केस क्या है बताइए मुझे, 400 BC सर अभी लगेगा ना, एटी एक्ट आप लोग के ऊपर, आप करिए तो, आप बिल्कुल करिए, अभी 420 सब तो जगह आप शिकायत कर हो रहे हैं रही। ना, 420 तो आप कर रहे हैं ना, आपको आप अगर लोगों ने लगता लोन लिया है, इसलिए, नहीं आप लोगों ने सुनिए, लोन लिया इसीलिए, कौन आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, ये करोगे, क्या होगा आप लोग के ऊपर, आईटी आज सा नहीं, व्हाट्सएप एक ग्रुप आध महीने में आप बनाएंगे, लोग पकड़ा ही जाओगे, अभी सबका नंबर लगना है सर, और ये चाइना 420 का तुम काम 420 कब पकड़ जाओगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे, हम लोग क्या है देश हित में क्यों नहीं काम पकड़े करना है, जाओगे, चाइना चाइना के तुम भी तो आ गए सारे लोगों आओ, को तुम भी तो कंगाल आ गए करना है, आओगे आज हमारे जब देश की हालत रिपोर्ट देखो, दोगे। लोग सुसाइड कर रहे हैं अच्छा, सर, आप क्यों कर इन्हीं के रहे हैं, आदमी हो, आप कोई क्यों में कर रहे से, हैं, आप मेरे मेरे क्यों कर रहे कर हैं रहे हैं, सुसाइड, अरे तो आप लोग इस पैंतीस टाइप का पैंतीस 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 लोन लेके बैठेंगे फिर वो सुसाइड कर रहे हैं, हाँ क्या गारंटी है उन्होंने आपको सुसाइड किया, क्या पता घर में कोई इशू हो, नहीं अरे क्या, कितने लोग को प्रेरणा, आप भी इतनी दुनिया, सोचो, आप सुशांत तो सिंह, सुशांत सिंह सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, जाओ पकड़ सकते सलमान खान को, जाओ उसने करो केस, किया, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, आपने कुछ किया, क्यों नहीं हम क्यों करेंगे उसके लिए, उसने अपनी वजह से किया, क्यों नहीं करोगे, वो भी तो इंडियन था, अभी तो है जाओ क्या, ना सलमान खान से लड़ो ना जाके, है हिम्मत, हाँ क्यों क्यों नहीं लड़ेंगे, जाओ जाओ फिर, क्यों रुके हो, बहुत हम मुझे तो कुछ, उसकी केस बंद हो पिक्चर नहीं, गया, हम तो उसको पैसा नहीं केस कमा के बंद हो देते, हम तो गया, उसकी पिक्चर ही केस नहीं बंद हो, देखते। बात पैसे की नहीं है, बात इंडियन की है, आपने आप भारत की बात की ना, तो जाओ हाँ देखता भाई हम तो उसको पिक्चर ही नहीं देखते, हूँ इसीलिए कितने बड़े हिंदुस्तानी हो, तो भाई पिक्चर के बाकी लिए है लोग क्या, देखते हैं, हिंदुस्तानी है वो, नहीं देखेंगे तो कलाकार नहीं है, क्या, हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ, नहीं, गलत क्या जाओ ना, बता है रहा बस हूँ, की, नहीं देखते है भाई, बस हम की, देखेंगे, बस हम मैं टिकट तुम्हारे तुम्हारे खरीदेंगे, बस में है, देखेंगे, क्यों नहीं कर सकते नहीं पैसे कर वाले के सकते, सामने, नहीं बोल सकते तुम, जाओ ना, सलमान खान धक्के मार के निकाल देगा तुमको, कैसे जाके दिखाओ, जाके दिखाएं भाई, धक्के मार के निकाल सलमान खान तुमको, अगर हमको जाके किसी दिखाओ, से नहीं मिलना है तो हम भी धक्के मार सकते हैं उसको, अरे निकालेगा निकालेगा तुमको, तुम लोग वो हो ना जो फ्रॉड होते हैं ना, पैसे ले लिए, अब ये है चाइना कंपनी, चाइना कंपनी क्या, चाइना कंपनी कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो तुम, अच्छा लोन नहीं अग्रीमेंट आप भेज बंद दो, करा अगर दो, अभी बंद दे करा दो, अग्रीमेंट दो, भेजो व्हाट्सएप में, इतने चाइनीज फोन चल रहे हैं, जाओ फोटो सबके फोन, है अरे आप हिम्मत, कभी नहीं लेंगे भैया, हम सीख गए, अब कभी जाओ नहीं लेंगे, ना तोड़ो फोन, तुम्हारा कभी कौन सा नहीं, फोन है, हमारे पास, मैं तो वीवो लिया हूँ, इंडियन वो उसमें है क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और चाइना का, और यहाँ मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है सर, गलती हो गई, काम हेलो यदि आप फ्रॉड कर रहे हैं ठीक है तो मत करिए, ये भी गलत जी है, नहीं मैं पेमेंट बिल्कुल दिया आपको है तो पेमेंट दे जी दीजिए, जी जी आप अच्छे से बात ठीक कर है रहे हैं सर, सिंपल सी थिंग है, हाँ सिंपल पर अभी सी नहीं ना थिंग है, सर पेमेंट लिया है पेमेंट कीजिए, जी बिल्कुल करेंगे, ठीक बिल्कुल है, और करेंगे शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन में आप साफ साफ लिखा होता है 7 दिन में पे करना है, जी बिल्कुल आपको बिल्कुल लेना है वो लो, आपको जी नहीं लेना मत लो, जी वहाँ पे कोई एप्लीकेशन में आपसे बाहर नहीं निकलता, आपसे हाथ जोड़ता है कि आप ले लो नहीं वहाँ नहीं पे आप साफ लिखा सही होता है, बोल रहे हैं, यदि नहीं इतना अलाउमेंट है तो लो, नहीं है तो मत सही, लो, नहीं सिंपल थिंग है, गलती हो गई सर ठीक जी है, इस पेमेंट को आज लास्ट डेट है पे कर दीजिएगा, जी सर जी सर ठीक है, आज आपका डे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे जी ना, कहीं कॉल जाएगी, कॉल आएगी तो सिर्फ आप ही को आएगी, नहीं ठीक नहीं है, मैं तो फोन बिल्कुल उठाऊं कल डेट निकल जाएगी, उसका जब पेमेंट नहीं करते तो जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो भी लीगल कार्रवाई, जो भी जिस तरह की कार्रवाई हम करते होंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे सर, ठीक जी है, बिल्कुल 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 जी ठीक है, जी और ये जो देशभक्ति है ना, यदि दिखा रहे हो तो अपने पूरे देश के दिखाओ, अपने पैसे नहीं मारने के लिए देशभक्ति में दिखाओ, ठीक है ना ठीक सर, है, होगा ज्यादा फ्रॉड ज्यादा के आप लिए देशभक्ति कॉन्टेक्ट मत में दिखाओ, लगा लोगे, व्हाट्सएप का ग्रुप फ्रॉड बना लोगे, उसके बाद वैसे ही फ्रॉड के एक लिए अपन भी देशभक्ति, क्या वैसे नो कर ही नो रहे हैं, नो नो रिपोर्ट हम लोग वो रोज के हमारा रोज, ये सब रिकॉर्ड हो सर, रहे हैं, हमारा आप धमकी सर भी वो दिए बात हो, हमारा नहीं है, सुनो सर वो मैं बात आपको हमारा बता दे नहीं रहा है, हूँ, आज के मैंने डेट धमकी में मैंने सुनो, समझाया मेरे आपको, मेरे चाचा जी, आप मैंने जितने भी आपको रेफरेंस में लगाओगे समझाया ना है, उसमें से कोई वकील रहेगा, कोई जज मैंने रहेगा, आपको समझाया आप है लगा लेना कि बिल्कुल, यदि सारे नंबर बंद हो तो कहाँ कॉल करे, हाँ आप बताएंगे आप मुझे लगा कहाँ कॉल लेना, करे, जितने भी आप कॉन्टेक्ट रेफरेंस, आधे ज्यादा वकील और जज होंगे, आप लगा लीजिएगा, और मुझे अधिकारी होंगे सरकारी, मुझे आप सिर्फ अपने आप इतना को बताइए फंसवाएंगे, सारे नंबर वो तो कहाँ कॉल करेंगे,
लगा लीजिए। सारे नंबर स्विच ऑफ हो तो कहाँ कॉल करेंगे? अरे नहीं रहेगा कोई नंबर स्विच ऑफ, आप बिल्कुल लगाइएगा और अपने आप को फंसवाइएगा। सबके लिए पूछ रहा हूँ, यदि नंबर सुनो जितने भी मेरे तो कहाँ कॉल करेंगे? कोई वकील है, कोई जज है, कोई अधिकारी है, बिल्कुल लगाइएगा। और अब उसके बाद क्या होगा? जाइए ना उनको इंसाफ दिलाइए जिनको नहीं मिला, अपने फ्रॉड करने के लिए उनको यूज मत कीजिए। मैंने से भी तो ऐसे नंबर किए थे ताकि फ्रॉड के लिए उन वकीलों को यूज मत कीजिए, किसी अच्छे काम यूज कीजिए उनको। आप लगा लीजिए उन वकीलों को, किसी अच्छे काम में यूज कीजिए सर, अपने ये 2-3 हजार बचाने के लिए मत यूज कीजिए, इसमें आप अमीर नहीं बन जाएंगे। अभी नहीं है, मैं जब आएगा दूंगा बोल रहा हूँ।